नमस्कार। और एक मैं सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और एक पेशेंट है, उनको क्या प्रॉब्लम था और हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम होगा, तो जरा सुनिएगा। ये इनकी उम्र है 55 साल की, जो मैंने ऑडियो कॉल उनने किया मेरे साथ में, कॉल करके चर्चा किया। 55 साल की उम्र है। उन्हें बताया कि फोर प्ले अच्छा हो जाता है, फोर प्ले के समय अच्छा इरेक्शन आता है, 5-10 मिनट 15 मिनट फोर प्ले करते हैं और फोर प्ले में बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि अभी सेक्स करना चालू करना चाहिए। और जब सेक्स करने के लिए, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करने के लिए जब कोशिश करते हैं, तो अचानक ही लिंग की जो कठोरता है वो निकल जाती है और फिर उनको बहुत ही कम पना लगता है कि भाई अपना बराबर नहीं हुआ, मतलब बहुत ही यानी उनको सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता, वाइफ उल्टा पुल्टा कुछ बोल देती, उनको भी खुद को अच्छा लगता नहीं है और उससे उनको डिप्रेशन आ रहा है। जब कभी वो वाइफ को बोलते कि नहीं अभी आज करेंगे, तो बोलती तुम्हारे से होता नहीं, अब तुम तो आदमी में रहे नहीं, फालतू मेरे को तकलीफ मत दो, मेरे को तुम एक्साइट करते हैं बाद में करते कुछ भी नहीं है, ऐसा उल्टा उल्टा बोलती। दोनों में बहुत अभी अनबन हो रही है और उसकी वजह से उनको डिप्रेशन आ रहा है, उनको खुद को अच्छा लगता नहीं है, बार बार वही विचार आते हैं कि मैं आदमी भी नहीं रहा, मेरी उम्र हो गई 55 साल की उम्र है, अब कैसा होऊंगा आगे चल के, वाइफ निकल जाएंगी क्या, बाहर लोगों के साथ में संबंध करेंगी क्या, ऐसे बार बार विचार आते रहते हैं और फिर नींद नहीं आती है। फिर इसके वजह से उनको अन्नपचन नहीं होता, फिर सीने में जलन, फिर खट्टी ढकार आना, पेट साफ नहीं होना। फिर काफ़ी डॉक्टरों को पेट के लिए बताया, मगर डॉक्टरों को जब पेट के बताते, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को सेक्स का प्रॉब्लम है, वो तो बता रहे पेट का प्रॉब्लम है। डॉक्टर पेट का इलाज करते जा रहे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फिर उससे चिड़चिड़ेपना, फिर सिर दर्द, बदन में दर्द और फिर कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है, कोई काम में मन नहीं लगता है। और सेक्सुअल प्रॉब्लम से जब विचार आते बार बार बार, उसको लगता है कि भाई मैंने खुदकुशी करना चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई ये आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। इसके पहले भी मेरे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के वीडियो पब्लिश हुए हैं। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का मतलब होता है कि परफॉर्म करने में एंग्जाइटी। वैसा बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब करने का टाइम आ जाता है तो इनको प्रॉब्लम आता है। ये लोगों को अकेले भी करते हैं हस्तमैथुन मास्टरबेशन हैंड प्रैक्टिस, तो वो अच्छा कर सकते, उसमें अच्छा एंजॉय करते हैं, फोर प्ले में इरेक्शन आता है, मगर एक्चुअली जब इंटरकोर्स करने टाइम आ जाता है तो इरेक्शन खत्म हो जाएगा या अंदर डालते डालते ही खलास हो जाएगा। फिर उनकी स्वप्रतिमा खत्म हो जाती है, खुद को अच्छा लगता नहीं है, वाइफ इंसल्ट कर देती है, फिर बाद में वो कॉन्टैक्ट के लिए तैयार नहीं होती, ऐसा बहुत बार होता है। फिर मैंने उनको बोला ठीक है आपको मैं दवाई देता हूँ और दवाई के साथ साथ आपको काउंसिलिंग करनी पड़ेगी। तो ठीक है करेंगे। फिर ऑनलाइन हमने काउंसिलिंग चालू किया और उनको मैंने धीरे धीरे उनको एंग्जाइटी कम करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल किया, सेंसेट फोकस का इस्तेमाल किया, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक जो बहुत ही पॉपुलर है उसका इस्तेमाल किया, दवाई दिया और दोनों को अच्छा सेक्स थेरेपी के लेके स्टेप बाय स्टेप ऐसा लेके गए। जब उनका मतलब एंग्जाइटी खत्म हो गई कि नहीं अभी एंग्जाइटी मतलब परफॉर्मेंस का जो टारगेट है वो नहीं है, वो खत्म कर दिया कि मेरे को परफॉर्म करना है, मेरे को बताना है कि मैं आदमी में हूँ, वो निकाल दिया पहले। और मैंने आपको रिजल्ट करना है, मतलब गोल वो है ही नहीं। आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि यात्रा जो है, सफ़र जो है वो एंजॉय करो, ना कि इंटरकोर्स। तो दोनों को ऐसा काउंसिलिंग किया कि आपका फोर प्ले आप एंजॉय करो, फोर प्ले में ही आपका सेक्स है समझ के चलो पहले, और आपको सेक्स करना ही नहीं है। जब उनका वो टारगेट निकाल दिया, गोल्स जो थे कि इंटरकोर्स करना है वो निकाल दिया, तो उनकी एंग्जाइटी कम हो गई। मैंने वैसे तो आपको फोर प्ले करना, बाकी कुछ करने का नहीं है। और खबरदार यदि कभी सेक्स किया तो बिल्कुल नहीं करना है सेक्स, दोनों को बोला कि बिल्कुल सेक्स करना ही नहीं, सिर्फ फोर प्ले करना है, मेरे को रिपोर्ट करो। तो 3 दिन बाद में उनका रिपोर्ट आया कि नहीं भाई हमारे से रहा नहीं जा रहा है। बोला नहीं करना ही नहीं, सिर्फ आपको फोर प्ले करना है और गोली खाना है। 4 दिन में आपको फोन आया उनका कि भाई हमको रहा नहीं और हमने सेक्स कर दिया और बहुत ही अच्छा हो गया। क्योंकि परफॉर्मेंस करने की जो एंग्जाइटी वो जब मैंने निकाल दिया तो उनका सेक्स अच्छा हो गया। जैसा सेक्स अच्छा हो गया वैसा पेट का भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। यूजुअली होता क्या है कि हम भलती जगह सिम्टम्स है भलती जगह इलाज करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल जो है मूल कारण वो निकालते हैं तो लक्षण निकल जाएंगे। बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के। आप में से भी काफ़ी लोगों को होंगे, आपके दोस्तों को होंगे, लोगों को वीडियो आप शेयर करेंगे तो उनके प्रॉब्लम्स निकल के एक अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन में जी सकेंगे। तो लोगों को शेयर करो
आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।